पूजा बोली थी वैसे कि यदि समय मिला तो 5:30 बजे तक आऊंगी। इन सबके पेपर ले लीजिएगा, अपना अपना पेपर पर मार्क करके मेरे पास आएंगे। ठीक है, ठीक है, मैम मार्क्स नहीं मिलेंगे हम पुनीता मैम के मार्क्स नहीं, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे इकट्ठे। तो कितने पे करनी है? 10 में 50 जैसे भी कर लीजिए, ग्रेडिंग तो आप ही करेंगे सब की बाद में। आप तो ग्रेड भी दे दीजिए पहले और बाकी होंगे ग्रेड पे बनाने होंगे। जेएनयू स्टाइल में ही ना? हाँ बिल्कुल, जेएनयू स्टाइल में मिलते हैं ग्रेड मिलते हैं ना, ग्रेड का एक फॉर्मेट है ना। आप किसके कर रहे हैं? मैं सब भी पढ़ ली यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत एक कमीशन है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्स्यां जगत् तेन तत्त्वेन भुञ्जेता मा कस्य स्वित्। इस मंत्र से ही इस उपनिषद का नाम पड़ा है ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद की कर्ण संहिता के अनुसार ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र और वाजस्नेही संहिता के अनुसार 17 मंत्र। उपनिषद श्रृंखला में इस उपनिषद को प्रथम स्थान दिया जाता है। इस उपनिषद में ईश्वर के गुण का वर्णन तथा अधर्म का त्याग उपदेश है। सभी कार्यों में सत्कर्म को करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस उपनिषद परमेश्वर की अति सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन है। इस उपनिषद प्राणियों में आत्मा को परमात्मा का अंश जानकर संहिता की शिक्षा दी गई है। इस उपनिषद में ईश्वर को सर्व निर्माता होने की बात कही गई है और सारे ब्रह्मांड के मालिक को अंकित किया गया। सात्विक जीवन शैली की बात कही गई है कि दूसरे के धन पर दृष्टि मत कर। तदेजति तदु नेजति तदूरे तदंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य बहाय। यह अमर तत्व चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है और पास भी है, वह अंतर्गत है और बाहर भी है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम पास्ते ततो भूय इत्ते तमो य उविद्याम रताः। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। जो सिर्फ विद्या की उपासना करते हैं वे मानव उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अन्य देवा आहुर्य विद्या अन्य आहुर्य विद्या इति शोषम धीराणाम ये नस्तत विच चचीर। विद्या से और ही फल बताया गया है तथा अविद्या से और ही फल बताया गया ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उनकी व्यवस्था की थी। विद्याम च अविद्याम च यस्त देव उभयम् सह अविद्याम मृत्युं त्यक्त्वा विद्याम अमृत अश्नुते। जो विद्या और अविद्या को सही प्रकार से जान लेते हैं वे अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सर मैं मतलब ये मंत्र शुरू करने से पहले मैं पापा ने बोला कि एक और मंत्र बोलते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
प्रण देवी सरस्वती वाजे दुर्वाजनीवती दीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। ओम ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। शब्दों का अर्थ। ईशा बाय द लॉर्ड, वास्यम कंट्रोल्ड, इदं दिस, सर्वं ऑल, यत् किञ्च व्हाट एवर, जगत्याम विद इन द यूनिवर्स, जगत ऑल दैट इज एनिमेट और इनएनिमेट। Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled or owned by the Lord Himself. Every atom in this world is movable. Each and every atom which makes this universe possible is provocated by the Lord. Nothing is still in this world because of the Lord who made this universe possible has made everything pervading. Whatever is movable in this world that has been allocated by the Lord. दूसरे लाइन का अर्थ। शब्दों का अर्थ। तेन बाय हिम, त्यक्तेन सेट अपार्ट, भुंजिता यू शुड एक्सेप्ट, डू नॉट, गृधः एनीवे टू बी, कस्य स्मित ऑफ एनी एल्स, धनम द वेल्थ, वन शुड एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ विच आर सेट असाइड एज हिज कोटा एंड नॉट एक्सेप्ट अदर्स थिंग्स नोइंग वेल टू हूम दे बिलोंग। In this world, we come with nothing and go with nothing. And to prove this, I'll give you an example. Alexander, the person who tried to conquer the world, but at his death time, whatever he tried to conquer, nothing could save him from death. So at the time when he was being buried, his hands were left out to set this as an example that no matter how much ever you achieve in this material world, you need to go empty-handed when the Atma is about to meet the Lord. Mantra 2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिविच्छेत समाः एवं त्वयि नान्यते तोश्चित् न कर्म लिप्यते नरे। शब्दों का अर्थ। कुर्वं डूइंग कंटिन्यूअसली, एवं दस, इह ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ लाइफ, जिजिविच्छेत वन शुड डिजायर टू लिव, सतम 100, समाह ईयर्स, वन में एस्पायर टू लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इफ ही कंटिन्यूसली गोज ऑन वर्किंग इन दैट इन अ पर्सपेक्टिव वे। आफ्टर कमिंग इन टू दिस मटीरियल लाइफ वन हैज टू कंटिन्यूसली परफॉर्म वेरियस एक्शंस दो इट बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इफ नॉट फिजिकली आर थॉट्स एंड वर्ड्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्शन। एवं सो लिविंग, त्वयि ऑन टू यू, ना नो, अन्यथा ऑल्टरनेटिव, इताहि फॉर्म दिस पाथ फ्रॉम दिस पाथ, अस्ति देयर इज न नॉट, कर्म वर्क लिप्यते कैन बी बाउंड नरे ऑन टू अ मैन, फॉर दैट सॉर्ट ऑफ वर्क विल नॉट बाइंड हिम टू द लॉ ऑफ कर्मा, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस वे ऑफ फॉर मैन। व्हेन अ मैन इज बाइंडेड टू परफॉर्म एक्टिविटीज देन द एक्ट और वर्क बिकम्स अ कर्मा, एवरी एक्शन though knowingly or unknowingly will be accountable for the calculations of one's karma. सब जानते हैं लेकिन फिर मैंने तो उस हिसाब से लिखा है उपनिषद का अर्थ, केनो उपनिषद क्यों कहा गया, और जो चार खंड है उसमें चार खंड है, 35 मंत्र हैं, तो वो चार खंडों में क्या क्या कहा गया है, और उसके बाद मैंने चार मंत्र लिए हैं, एक मंत्र जो है वो तृतीय खंड का अंतिम मंत्र है और बाकी तीन जो है वो चतुर्थ खंड के पहले तीन मंत्र है। तो उपनिषद का बहुत सारे लोगों ने जो बताया है वो है ये तीन, उनसे बनाया दो उपसर्ग है, फिर उप और नी, उप का अर्थ को निकट, नीचा नीचे, और सद धातु है जो कि बैठो से
इनका इससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों का दर्शन वेदांत भी कहलाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत उनकी परिधि। अब मैं थोड़ा सा केन उपनिषद के बारे में बताऊंगी कि चारों खंड में क्या कहा गया है। तो केन उपनिषद सामवेदीय तल्पकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें केन अर्थात किसके द्वारा, यहीं से इसका नाम लिया गया केनोपनिषद का विवेचन होने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु शिष्य की संवाद परंपरा द्वारा उस केन प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी गूढ़ अनुभूतियां आदि पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में अभिमान तथा उसके मानवर्धन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। अंत में उमा देवी के द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्मत्व का उल्लेख किया गया है तथा ब्रह्म की उपासना का ढंग समझाया गया है। मनुष्य को श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करना इस उपनिषद का लक्ष्य है। अब जो है मैंने जो पहला मंत्र लिया है वो तृतीय खंड का लास्ट मंत्र है। उसमें क्या होता है, जब उमा देवी का प्रादुर्भाव होता है, जब असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो बहुत अभिमान से भर जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी ही विजय है, लेकिन असल में तो वो भ्रम की विजय थी। उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए और उन्हें ये समझाने के लिए कि ये तुमने ही है, तुम्हारा कुछ इसमें वो नहीं है, ये सब भ्रम की ही माया है, उमा देवी जो है वो प्रकट होती हैं। सा तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हैमवती ताम होवाच किम एतद् यक्षमिति। इसका अर्थ, वह इंद्र उसी आकाश में जिसमें कि यक्ष अंतर्धान हुआ था, एक अत्यंत शोभामयी स्त्री के पास आया और उस स्वर्ण आभूषण भूषिता अथवा हिमालय की पुत्री हैमवती जो बोला गया है वो हिमालय की पुत्री उमा जो कि पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या थी से बोला, यह यक्ष कौन है। उन्होंने प्रश्न किया। इससे पहले जो हुआ उसमें क्या हुआ कि अग्नि आए, अग्नि को बोला कि तुम जाके उस यक्ष का पता करके आओ कि यक्ष कौन है। जब यक्ष रूप में वो ब्रह्म प्रकट हुए उनका अभिमान दूर करने के लिए, तो उन्होंने अग्नि को बोला कि आप कौन हो। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। तो अग्नि ने बोला कि मैं जातवेदा हूँ और मैं सब चीज़ें भस्म कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने उन्हें एक तिनका दिया और बोला कि इसे भस्म करके दिखाओ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन वो उसे भस्म नहीं कर पाए। तो वो जो है वापस देवताओं के पास लौट गए और उन्हें बोला इंद्र को और सब देवताओं को कि मैं उनके बारे में नहीं पता कर पाया कि वह यक्ष कौन है। उसके बाद उन्होंने वायुदेव को भेजा, वायुदेव आप पता करके आओ कि वो यक्ष कौन है। वायुदेव ने उनसे जाके पूछा आप कौन है। उन्होंने बोला कि आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं वायुदेव हूँ और जो है मैं सबको उड़ा सकता हूँ, सभी जगह मैं ही व्याप्त हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा दिन का ये है तो मैं इसको उड़ा के दिखाई दे। उन्होंने जो है अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन जो है वो उसको बिल्कुल हिला भी नहीं पाए। तो वो भी जो है अपना सा मुँह लेकर वापस लौट गए देवताओं के पास। अब उन्होंने बोला इंद्र आप जाइए और पता करके आइए कि कौन ही है यक्ष जो है ये कौन है। तो इंद्र आए और जैसे इंद्र आए इतने में यक्ष अंतर्धान हो गए, क्योंकि यक्ष ने उन्हें इतना भी मौका नहीं दिया कि वो उनसे संभाषण भी कर सके। अग्नि और वायु को ये मौका मिला कि वो उनसे संभाषण कर सके, लेकिन ये उन्होंने उनको ये अवसर भी नहीं दिया, क्योंकि वो मतलब देवताओं के राजा माने गए हैं। पर जो इंद्र थे उनके अंदर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हुए वो जानने के लिए, और वो भी खड़े रहे जानने के लिए कि कौन थे। तो इस चीज़ को देखकर उमा देवी जो हैं, जो ब्रह्म के द्वारा ही भेजी गई हैं, उन्होंने जो है उनको ज्ञान देने के लिए कि वो कौन थे उमा देवी को भेजा। वो प्रकट हुए, वो बहुत सुंदर आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, बहुत शोभामयी लग रही थी और अत्यंत सुंदर, और उनको हिमालय की पुत्री बोला गया है। और वो विद्या थी, स्वयं विद्या थी, क्योंकि अगर कोई कुरूपी होता है और अगर वो विद्यावान होता है ब्रह्म विद्या से यहाँ पर तात्पर्य है, तो वो भी बहुत सौंदर्यपूर्ण लगता है। तो उन्होंने जो है उनसे पूछा तो उमा देवी ने फिर उन्हें ज्ञान दिया। तो ये जो है चतुर्थ खंड का पहला और ये मंत्र है। सा ब्रह्म एति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजय महिये ध्वम इति ततो है वेदांश का ब्रह्म एति। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो।
कहते हैं तभी से इंद्र ने जाना कि यह भ्रम है। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने इंद्र ने ये जान लिया कि ये तो, अब उसके बाद ये इसका दूसरा मत है, तस्मा द्वा एते देवा अतितराम एव अन्यान देवान यद अग्नि वायुर इंद्र ते हेन निरिष्टम पस प्रशु ते हेन वेदांशकर भ्रमे। क्योंकि अग्नि वायु और इंद्र इन तीनों देवताओं ने, अग्नि और वायु का उनसे संभाषण हुआ और इंद्र ने सबसे पहले उमा देवी से जाना और तो इससे कि उनकी श्रेष्ठता बताई गई है, इसलिए इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ भ्रम का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहल यह भ्रम है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसकी व्याख्या इन्होंने ये करी है कि जो अग्नि वायु और इंद्र की क्या श्रेष्ठता, क्योंकि वही सबसे पहले जो थे उनसे चीज़ों का उन्हें ज्ञान हुआ। संपूर्ण देवताओं में अग्नि वायु और इंद्र ये तीन देवता श्रेष्ठ हैं क्योंकि इन तीनों ने यक्ष रूप में प्रादुर्भूत परमात्मा का दर्शन किया और उनके समीप गए। अग्नि और वायु ने उनके साथ संभाषण भी किया, इंद्र को संभाषण का अवसर नहीं मिला तब, क्योंकि तब तक भगवान अंतर्धान हो गए थे, किंतु इंद्र को साक्षात माता उमा ने देव से ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ज्ञान उन्हें पहले हुआ, संभाषण उनका हुआ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जो है ब्रह्म है। तो सबसे पहले इंद्र, एक तरीके से इंद्र ने ही जाना कि ब्रह्म कौन है, और फिर इंद्र ने जाके अग्नि और वायु को उसका उपदेश दिया, तो इन तीनों देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन जो है सबसे जो है श्रेष्ठतर जो है वो इंद्र ही माने गए हैं। तो एक और है इसमें, तस्माद व इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान स हेन निदिष्ठ पस्प्रशाह स हेन प्रथमो वेदांशकर भ्रमे। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था, उसने ही पहले पहल यह ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि इंद्र की जो सब वो सर्वश्रेष्ठ थे। जिस प्रकार अग्नि और वायु ने यक्ष रूप में प्रकट परमात्मा का दर्शन किया, उसी प्रकार इंद्र ने भी किया, किंतु उसने अग्नि और वायु से भी पहले उमा के उपदेश से ये जाना कि ये ब्रह्म है। इस कारण इंद्र की महिमा सबसे अधिक है। ये जो आपने बताया इसका पहले खंड से कुछ रिलेशन है? पहले खंड से इसका जो है सर वही, क्योंकि जो इन्होंने जो बोला है, जो पहले हमारे पहले खंड में बताया कि हमारा क्या, उन्होंने पहले खंड में प्रश्न किया कि कौन है, किसके द्वारा हम देखते हैं, किसके द्वारा हमारी वाणी सुनते बोलती है, किसके द्वारा हमारे कान सुनते हैं, ये कौन है। तो हम क्या सोचते हैं, ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, अहंकार हुआ। तो जो देवता और असुर जो है ये इस चीज को दर्शाया गया है, कोई असली मतलब देवता और असुर है नहीं, ये यही दर्शाया गया है कि हम, हमारे अंदर जब अहंकार आता है हम सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। इस टाइम मैं भी ये सोचूं कि मैं ये बोल रही हूँ, मैंने बनाया, पर एक्चुअली में इसे करने वाला कोई और ही है। तो ये ज्ञान हमें इससे मिल रहा है और उसमें भी उमा भी उनका अहंकार नष्ट इसीलिए कर रही है और उन्हें साक्षात बता रही है। और कौन है वो, आपके अंदर है या बाहर? वो सर सब जगह व्याप्त है, हमारे अंदर हमारे बाहर हर चीज में है वो, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज में है, यही समझाना है। मैंने लिया जी केन उपनिषद का सेकंड खंड लिया। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। इसे तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में विवेचन किया गया। प्रथम खंड में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए सांकेतिक भाषा में दर्शन कराया गया। द्वितीय खंड में ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप तत्व को समझाने के लिए कहा गया कि प्रथम खंड में जैसा स्वरूप समझ में आता है वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है, वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। तो इसका पहला श्लोक है ये, यदि मन्यसे सुवेदेति दब्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वत्थनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। इसमें दब एव प्लस अपि जो है वो दीर्घ संधि हो गई और देवेश्वत में देवेशु प्लस यत अथ, तो देवेशु जो है देव शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और इसमें अयण संधि है। तो इसमें वो कहते हैं कि मतलब जो तुमने शिष्य को कहते हैं कि जो तुमने पहले चैप्टर पहले खंड में समझा था कि भाई वाणी बोलती है तो हम बोलते हैं, आँख देखती है तो हम देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो सांकेतिक भाषा में वो
सिर्फ वो ही ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, और जो मन मन वाणी इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म है वो उनको ब्रह्म समझना यथार्थ नहीं है। जीवात्मा और ब्रह्मांड में व्याप्त सबको मिलाकर देखा जाए तो ब्रह्म का एक अंश ही है, अतः यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है। उसके बाद दूसरा श्लोक है जी, नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। इसमें वेदेति में वेद प्लस इति गुण संधि हो जाता है जी, नस्तद्वेद न प्लस तत् विसर्ग संधि, और तत् प्लस वेद व्यंजन संधि। इस मंत्र में शिष्य गुरु से कहते हैं कि जो मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं मानता, और मैं जानता हूँ ऐसा भी नहीं मानता, लेकिन मैं ये मतलब ये मेरे इस कथन को जो ये जानता है वही समझ सकता है, जो मेरे इस कथन को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो इस ब्रह्म को जानता है। उसके बाद है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। इसमें यस्य जो है यद सर्वनाम पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन, यस्या मतम दीर्घ संधि, अमतम अविज्ञातम नए समास। जो महापुरुष पर ब्रह्म का साक्षात्कार लेते हैं उनमें जरा भी अभिमान नहीं रह जाता, उन्होंने जान लिया कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। अतः जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है वह सर्वथा ब्रह्म में है, क्योंकि जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म तक पहुँच सके। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं को होता है जिनमें अभिमान किंचित मात्र भी ना रह गया हो। प्रतिबोध विदितम मतम मृतम मृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। इसमें विद्या जो है विद्या शब्द रूप के तृतीय विभक्ति एक वचन। इसमें कहते हैं उपयुक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था उसको भली भांति समझना ही वास्तविक ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है वह मनुष्य को परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप ब्रह्म पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य में यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह पैदा होते हैं। ई चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। प्रत्यास्मा लोकात् मृता प्रत्यय प्लस अस्मात् प्लस लोकात् प्लस अमृता। इसमें व्यंजन संधि दो जगह है। इसमें भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम। इसमें कहते हैं कि मतलब मनुष्य जो है अपने इसी जीवन में परमात्मा को पा सकता है। अगर हम परमात्मा को नहीं पाएंगे इस जीवन में तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, फिर वही मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, यही सब होता है। और सभी वो त्रिविध तापों और विविध चूलों से बचने का यही एक साधन है कि जीव मानव जन्म में साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। सही जो परमेश्वर बोल रहे हैं और ये जो पर हम बोल रहे हैं ये एक ही के लिए बोला गया है कि अलग अलग बोला गया है, एक ही के लिए। तो सर ये बोल रहे हैं कि हमारे जान ही नहीं सकते और इन सब चीजों से जो हमारे पास डिवाइस है जो भी हमारे पास इंद्रिय है हम नहीं जान ही सकते, तो हम उनके बारे में बात कैसे करते हैं? ये नहीं कहना, जानने इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, इंद्रियों के शुद्ध चेतना के स्तर पे जाकर उसी के द्वारा जाना। अच्छा, मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं, मतलब पर ऐसे तो जान सकते हैं, क्योंकि चेतना जो है ना हमारे अंदर वो एक्चुअली में हमारा एसेंस है, और वो इंद्री को एनर्जी सप्लाई करती है। हमने बात पहले की थी, चेतना जो है एनर्जी को सप्लाई करती है। आज तक कोई अभिमान के साथ नहीं जान पाए, अभिमान जब आएगा फिर तो ये इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार इन्वॉल्व, फिर उसका लिमिटेशन होता है। अहंकार का मतलब ही हुआ कि मैं मान लिया कि आपसे मैं अलग हूँ, अहंकार का मतलब ही हुआ कि मैं आपसे अलग हूँ।
स्टेट को वही है जब आपको लगने लगे कि मैं आप सब मैं मुझ में सब है और सब में ये उसी समय संभव है जब अहंकार है। अहंकार जो है ना वो कॉन्शियसनेस को क्या करता है क्वांटिफाई करता है लिमिट कर। आपने मान लिया कि मैं उसका मतलब मान लिया कि दुनिया में सबसे अलग हूँ तो सबसे अलग हूँ तो फिर उसका ज्ञान तो सीमित हुआ ना कि तो पूरा वास्तविक ज्ञान हुआ। पर इसमें कठिनाई ये है कि जब तक बॉडी रहेगी तो सेपरेटनेस की फीलिंग सेपरेटनेस की दिखती रहेगी कि मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि जब तक अपने केवल आंख और या इंद्रिय मन डिपेंड करते हैं तब तक उसका काम है सेपरेशन दिखाना वो फ्रैगमेंटेड रियलिटी को दिखाता है इसका काम ही वही है। इसलिए ऋषि बार बार कहते हैं कि यू हैव टू गो बियॉन्ड दीज इंस्ट्रूमेंट्स। पर सर ये जो इतना बोलते हैं कि हमें मतलब कर्म तत्व को ही प्राप्त करना है वो ही एक अल्टीमेट एम होता है सबका वो ही मुख तो ये इस चीज को इतना मुश्किल क्यों बनाया है कि मतलब इसका ज्ञान देना और मतलब मुश्किल नहीं बनाया है मुश्किल नहीं बनाया है जो जिसका वैसा नेचर है उसके लिए तो सबसे आसान तभी तो कहते हैं ना कि वो तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से वो आपके अंदर ही है उसे नजदीक कौन है। लेकिन नजदीक रहते हुए भी यदि आप अपने को मान लेते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ तो फिर आपका वो ईगो स्टेट जो है वो आपके अंदर रहते भी वहां तक पहुंच नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंचने का मतलब है कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑल परवेसिवनेस ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। ठीक है ना तो ऋषि बार बार तभी कहते हैं ना यदा पंचावतिष्ठन्ते कठोपनिषद जब पांचों इंद्रियां रुक जाती है मन सा सह मन के साथ मन भी रुक जाए बुद्धिश्च न विचेष्टति बुद्धि की भी चेष्टा रुक जाए तामा ऊपर मांग बढ़े दैट इज द स्टेट ऑफ पर आई मीन लॉजिकली अगर उस स्टेट पे मान लीजिए एक इंडिविजुअल पहुंच गया तो पहले तो उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। इंडिविजुअलिटी खत्म होना ही वास्तविकता को जानना है। You have to be prepared for this state. Individuality का मतलब ही तो ego है। और वो कहते हैं individuality का मतलब ही सुख दुख भी है। संभव तभी आएगा। आप यदि चाहते हैं कि इस स्टेट को मेंटेन करें तो ओके If you want to go to other state which is beyond pleasure pain, sensuous pleasure pain, then you will have to transcend these. मेरा एक प्रश्न और है, पता नहीं कितना सही प्रश्न है। मान लीजिए किसी ने ब्रह्म की अनुभूति कर ली है प्राप्त भी और कहते हैं कि एक मोमेंट्री क्षण में हो जाती है वो जब प्राप्ति होती है लेकिन फिर वही रहती है। अच्छा वो फिर दोबारा फिर लौट के नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं कि तद्गत्वा न स पुनरावर्तते। वंस यू रियलाइज दैट स्टेट देन दैट स्टेट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस हैप्पीनेस। पुरुष की मदद नहीं कर सकता क्योंकि जब जैसे ही मन में आता है दूसरे पुरुष की या दूसरे व्यक्ति की मदद करनी है तो इंडिविजुअल सेपरेटनेस फिर आ जाती है। नहीं आती है क्योंकि आपका उस समय ईगो काम नहीं करता नेचर का प्रिंसिपल काम करता। पृथ्वी को ये नहीं होता है ना कि मैं घूम रही हूँ घूमना उसकी ड्यूटी है। वैसे आप किसी को हेल्प करते हैं तो दैट इज नॉट ईगो ओरिएंटेड दैट इज ड्यूटी ओरिएंटेड सहज स्वभाव हो जाएगा। पर सर जिसको हम नॉनवेसी कहते हैं आज जो मतलब हम ये आ रहे हैं क्लास पढ़ रहे हैं जो भी हमारे काम है कर्तव्य हम कर रहे हैं अब जैसे अगर आप रामकृष्ण परमहंस ये जो रिलायंस सोल्स है अगर हम इनकी बात करें
तो वो वैसे कहाँ रह गए, हमारे जैसे कहाँ रह गए, वो तो अजीब ही हो गए ना, मतलब वो तो फिर कहाँ अजीब हो गया। आदि शंकराचार्य तो भारत को यूनाइट कर दिया। पर सर वो तो मतलब ऐसे तो नहीं रहे, हमें तो इसलिए बताया कि हम ऐसे रहे और आप ऐसे रहे, ये कौन कह रहे नॉट, तो फिर ऐसे कैसे होएगा। इसीलिए जो इसीलिए जो मुक्त है उसके कई स्टेट बताए, वो ऋषियों वो निर्धन भी दिख सकता है, वो राजा भी दिख सकता है, वो ऐसा भी दिख सकता है कि वो बैंक का ऑफिसर है, और वो ऐसा भी दिख सकता है कि वो कसाई वस्त्र पहन के घूम रहा है। सब छोट, ये तो डिपेंड करता है कि कैसा प्रारब्ध आपका चल रहा है, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तो प्रारब्ध काम करेगा ना। यदि शरीर में प्रारब्ध वो है तो आप यहाँ बैठ के मुक्त अवस्था में पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। राजा जनक थे तो वो राज चलाते थे, और कई जो होते हैं वो भिक्षाटन करते रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी जो है वो प्रीवियस कर्म से कैसे मोटिवेट है। लेकिन कोई कोई भी स्टेट हो, बॉडी से उसका कोई रिलेशन। अगर ब्लिस ब्लिस मिल गया है, अगर ब्लिस अटेन कर लिया है, तो प्रारब्ध का क्या होगा? प्रारब्ध का यही होगा कि जब तक शरीर है वो प्रारब्ध का रिजल्ट है ना। जब तक शरीर है तब तक आप शरीर से डिटैच्ड है, शरीर अपना चल रहा है। जिस दिन शरीर का वो प्रारब्ध समाप्त हो गया, यू आर इन द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। अब यदि आप आते हैं जो पुराना एक्युमुलेट किया हुआ है, वो तभी तो वही प्रारब्ध है ना। मैं समझ गया, भोग रहे हैं। ज्ञान भी तभी होगा ना जब प्रारब्ध खत्म होंगे। नहीं, इस जो प्रारब्ध में जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उसके पहले का जो कर्म है वो समाप्त हो जाता है। जो कर्म रिजल्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, वही कर्म आपके शरीर को मेंटेन। लेकिन आप उस शरीर से डिटैच, इसीलिए आज शरीर का जो दुख होता है वही तो हमें दुखी करता है ना। उसको वो दुख दुखी नहीं करता, क्योंकि वो शरीर से अपने को शरीर मानता ही नहीं, विदेह होता है, देह में रहते हुए विदेह। ये हो सकता है, ये होता है, और ऐसे जो आपको दिखाई देंगे ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। और वो व्यक्ति तो आप कह रहे हैं, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा वेलफेयर का काम, वो अपना तो कुछ रह नहीं जाता, अपना मतलब सबका, फिर मोटिव नहीं रहता, मतलब मोटिव इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल मोटिव नहीं रहता, ग्लोबल मोटिव हो जाता है, लोक संघ। और मोटिव तो समझ भी नहीं आता, मोटिव होता क्या होता है? बेस्ट टर्म है लोक संघ, एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ महर्षि रमन सीधे उस रूप में थे, रामकृष्ण परमहंस भी लगभग उस स्टेट, विवेकानंद स्टेट में हो ना हो, लेकिन वहां तक तो नौ दौर तो नौ करी है। तोतापुरी थे जो रामकृष्ण को बाद में दीक्षा दी थी, कबीरदास भी थे, अभी भी होते हैं ये लोग, तो बहुत मतलब सब ऊपर उठे हुए थे। अब डिग्री क्या था वो तो अलग, ये सब ऊपर उठे हुए, हो सकता है अपने अगले जन्म में बहुत क्विकली उसको कंटिन्यू करते हुए जर्नी, वही से कंटिन्यू करता है। कृष्ण भी गीता में बार-बार कह रहे हैं कि जो एक बार जिसकी ये वृत्ति हो जाती है, वो जहां एंड करते है अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है। कैरी फॉरवर्ड चलता है। जैसे कोई भ्रष्ट योगी की चर्चा भी आई है गीता कि बीच में आपका मन संसार में लग गया, तो लग गया तो लग गया, लेकिन फिर अगले जन्म में वो चीज जाएगी नहीं, वो अकाउंट जो आपका है ना कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर जब तक हमारे को अल्टीमेट ज्ञान नहीं होता, उससे पहले हमारी स्थितियां बदल सकती है कि जैसे हम कभी कीर्तन में चले गए तो हमारा ध्यान भगवान में चला गया। नहीं, सिंपल लीजिए ना, हम जॉब करते हैं ना, और हम बड़े ऑनेस्ट हैं, अचानक परिस्थिति बन गई, हमने कुछ पैसा ले लिया, उसका फल भी भोगना पड़ेगा, फिर लगेगा फिर ऑनेस्ट है, फिर बैक टू पेवेलियन। हां मतलब वो चेंज हो गया है आपकी अकाउंटिंग टर्म में, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दोनों जीरो हो जाती है ना। मुझे
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होगी और बैलेंस शीट में 100% कंप्यूटराइज्ड, एक एक चीज का लेखा जोखा है, आप जो कर रहे हैं सबका लेखा जोखा है, ऐसे सृष्टि चल तो नहीं रही, सब लेखा जोखा है। जब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक गैलेक्सी का पार्टिकल दूसरे गैलेक्सी के पार्टिकल को जानता है, एंटेंगलमेंट बोलते हैं, आप समझ लीजिए कि कितना मैकेनिज्म उसका स्ट्रांग है, और उसके बाद हम कहेंगे कुछ कर रहे हैं और छुप जाएगा, ऐसा तो है नहीं। नेचर को देख देख कर ही तो लोग सीखा है ना, ये कंप्यूटर किसके को देख के बनाया, हमारे ब्रेन को देख के बनाया। अब देखे ना जो जितने फिजिसिस्ट थे, जब वो विचार कर रहे हैं कि कैसे माइंड कैसे काम कर रहा है, उसके आधार पे कैसे हम इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, सब हमको देख के बनाया, मनुष्य को देख के बनाया। मनुष्य किसकी रचना है? नेचर की रचना है, सब कंप्यूटर। जीवन एक है लेकिन आत्मा एक नहीं, मतलब ऑर्डर में फ्रेंड से जैसे कुछ लोग जो हैं रामकृष्ण परमहंस से उस लाइफ में अगर सपोज फॉर सेल्फलाइजेशन कर लिया तो उनका काम तो खत्म हो गया, उन्होंने तो पास कर लिया। तो अब जैसे अब हम सब सोच रहे हैं सपोज करो हम एक डिफरेंट हर एक डिफरेंट डिग्री पे है इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने कितना रियलाइज किया किस चीजों को किस तरह से काम कर रहे हैं, तो फिर सर इज इट लाइक इज इट फॉर एवरीबॉडी दैट लाइक इट इज फॉर मी आल्सो इट इज फॉर हिम आल्सो कि चाहे इतने लाइफ टाइम लग जाए लेकिन अल्टीमेटली योर एम इज टू अटेन मोक्ष। आपका ओरिजिनल स्टेट है, तब तक आप सेटिस्फाइड फील ही नहीं करेंगे। इसमें कुछ मर्जर एक्विजिशन नहीं होता। मैंने अटेंड कर लिया दो तीन और नहीं, क्यों नहीं होता, नहीं होता है ना, कोई मगर मांगे तो आगे वो शक्ति बात और ये सब क्या होता है, वो ट्रांसफर दे देखिए आप, मेन बात क्या है कि फुल सेटिस्फैक्शन। ऋषि तो यही कह रहे हैं ना कि तब तक आपका फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जब तक आप उस स्टेट को रियलाइज नहीं करेंगे। आप जितना पैसा कमा लें, जितना कुछ वर्ल्डली अचीवमेंट हो गया, लेकिन आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन कमी लगती है, वो कमी उस दिन शांत होती है जब आप उस स्टेट को रियलाइज करें। हाँ, उसके बाद कहते हैं आप्त काम। आप्त काम का मतलब आपकी सारी इच्छा, आपको लगेगा कि मैं पूर्ण संतुष्ट, आपकी जो संतुष्टि है या सुख है आनंद है किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, सेल्फ डिपेंडेंट। अभी हमारा सुख जो है ना वो किसी न किसी चीज पर डिपेंड करता है, वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बुरा लगता है। तो कहते हैं आत्मा का जो असली रूप है ना, वो असली रूप आनंद रूप ही है, तो सुख और दुख से परे जो परे, और आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, कोई विपरीत नहीं है, वो अपने आप में अकेला है, एक है और वो सब में है, सब में है। जब वो सीमित होता है तो ऐन्द्रिक सुख कहलाता है, असीमित होता है तो आनंद कहलाता है। तो ऐसे मतलब वो नए-नए लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जैसे कोई इन्होंने तो अचीव कर लिया, ये सेल्फलाइजेशन हो गए, इनके तो मर्ज हो गए ऐसे पर हम तक में, अब और लोग भी तो नहीं, वो लोग भी फिर उनका उनकी उनका फिर ड्यूटी लगती रहती, फिर वो जो कॉस्मिक जो प्रिंसिपल है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो उनको जो रिलाइज सोर्स है कि तुम्हें जाके वेलफेयर करना है, तो फिर एक दिन बहुत दिनों बाद ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग दे विल रिलाइज एंड एवरीथिंग, तो प्रलय हो गया। तो गीता में भी लिखा है ना, जब जब वो होगा धर्म की हानि होगी, तो वो तभी तो कह रहे हैं आते हैं वो, जैसे अब बहुत प्रॉब्लम हो गया, आपको नहीं लगता है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर नया ढंग से शुरू होता है, क्योंकि जो क्रिएशन किया है बनाया उसको, इस क्रिएशन को मेंटेन करना है ना, मेंटेन करने के लिए जैसे आप देश चलाना है तो एक कलेक्टर यदि खराब काम करेगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे, दूसरा लाएंगे, दूसरा लाएंगे तो ऊपर का कमांडिंग ऑफिसर को पता है ना कि क्या कर रहे हैं। तो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है वो जिस जगह पे जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो फिर वैसे आदमी को भेजेगा, री ऑर्डर करो उसको, तो वो जन्म से ही शुरू कर देता है। ऐसे लोग आते हैं ना समाज, हाँ विवेकानंद की नहीं प्रॉब्लम थी, पिताजी नहीं थे, बहन की शादी करनी थी, सारी बात थी, काम ये कर दिए, तो देखिए ग्लोबली रामकृष्ण ऑर्डर एक एस्टैब्लिश हो गया।
39 ईयर में करके चल दिए। शंकराचार्य 32 साल में करके चले गए। इतना सब कैसे लिखते हो 32 साल? क्योंकि वो आए इसीलिए ना, उनका काम उनको पढ़ना लिखना नहीं पड़ता ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं पड़ता ना, वो पढ़ के ही आते हैं। जो मूल रूप है ना उसको ज्ञान रूप, जो ज्ञान जितने डिसिप्लिन से लर्निंग के उसके जो सोर्स में बैठा हुआ है उसको ज्ञान अलग से प्राप्त करने के। टेबल बनाना है तो साइंटिस्ट को पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे एटम जो है जुड़ा है, क्या हुआ है, और जहाँ से वो सोर्स है उसको जिसने रियलाइज कर लिया वो तो सारे मैकेनिज्म को जानता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि उसी को रियलाइज करना है जो यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम। एक तो होता है कि एक चीज को जानेंगे तो दूसरे को नहीं जानते, दूसरे को जानेंगे तो तीसरे को नहीं जानते। स्पेशलाइजेशन जो चल रहा है, अब वो कह देता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑल स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, तो वो जो स्पेशलाइज्ड होगा अब वो तो जो सबका मूल कारण है जहां से सब चल रहा है उसको यदि समझ लेगा तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं। बियॉन्ड स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, ऐसे लोग जन्म से 8 साल में क्योंकि यज्ञ में संन्यास हो गया, कहां से चले केरला से, कहां पूरे देश कहां पहुंच गए, जैसे अभी हम पीछे हैं, हम 55-54 में आ रहे हैं, 13-14 साल में आ, तभी तो कह रहा इनका रियलाइजेशन उनसे ज्यादा। हां एकदम यही बैठा है, सही बात है, सही बात है। हां अब वो 8 वर्ष में ही निकले, उनको पूरे देश की चिंता थी, हम 80 साल को थे तो भी अपनी चिंता रहती है, तो वो उस तरह के लोग आते। तो देखिए ना भारत में बीच बीच में हर एक सेंचुरी में कोई न कोई आते रहते हैं, उस समय की जो परिस्थिति है सर, इस सेंचुरी में कोई, इस सेंचुरी में भी तो अभी 82 साल बचे हैं, अभी भी तो विवेकानंद जी गए हैं, अभी तो 20th सेंचुरी के शुरू में तो गए हैं, अब उसके बाद चल रहा है, अब फिर कोई जब ज्यादा होगा तो ठीक है सर। पीछे पढ़ते रहना चाहिए अपने धीरे धीरे ना, आपको पढ़ने से लगेगा कि जो कुछ ठीक हो रहा है, सही यात्रा मैंने केन उपनिषद का एक मंत्र, इसको तो मंत्र ही बोलेंगे ना सामने, तो केन उपनिषद का एक मंत्र लिया है। जब मैं पूरी प्रिपेयर करने के लिए देख रहा था तो मेरे को लगा कि मंत्र जो सेकंड चैप्टर के चौथा मंत्र है वो पूरी केन उपनिषद का सार नजर आ रहा था मुझे, इतना सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर तो सिर्फ उसी के ऊपर मैंने थोड़ी व्याख्या की है, मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ जो पढ़ी है मैंने, दिस इज नथिंग इज ओरिजिनल हियर। और फिर मेरे मन में ये विचार आया कि बोलते हैं कि भगवद गीता में पूरा ज्ञान, उपनिषदों का वेद का पूरा ज्ञान भगवद गीता में भी है, उसकी पूरी एसेंस है, तो जो ये केन उपनिषद का एसेंस है वो भी भगवद गीता में भी होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा कोशिश की भगवद गीता में को स्कैन किया और 2-3 उसमें श्लोक मिले हैं जो केन उपनिषद में जो हमने सीखा है और जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है उससे उसको परिपूर्णता देते हैं, बताते हैं, तो वो मैं 2-3 श्लोक वो भी वहां से भी लिए हैं। तो बंद कर दीजिए। और जब मैंने शुरू किया था मेरे को लग रहा था मेरे को मतलब बिल्कुल समझ में आ गया है, पर अभी मुझे लग रहा है मुझे अभी इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं वो बताते हुए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं आया तभी तो कहते, तभी आना शुरू हुआ। हाँ, जिज्ञासा चल रही है तो नहीं, मैं एक लाइन बीच में पहले बोल देता हूँ, जो लघु सिद्धांत कौन दी है ना, वो एक स्टूडेंट गया टीचर से पढ़ने,
वो पढ़ा दिया उसको एक साल लगा, उन्होंने पूछा कि समझ में आया, बोला 100% बोले कि तो ठीक है आप एक बार फिर पढ़। दूसरी बार जब पढ़ लिया तब बोला अब बताइए समझ में आया, तो बोला अब कहीं कहीं प्रॉब्लम लग रही तो बोला कि एक बार और फिर छोड़। और जब तीसरी बार पढ़ा तब बोला अब क्या समझ में आया, तो बोला अब कुछ समझ नहीं तो बोला कि अब तुम समझने लगे अब तुम समझने लगे हो, क्योंकि जब जिज्ञासा शुरू हो जाए ना, इसका मतलब आप आपके अंडरस्टैंडिंग मैच्योर। तो ये कह रहा हूँ कि जो ये तो संकेत अच्छा है कि तो 2.4 जो मंत्र है दूसरा अध्याय का चौथा मंत्र, प्रतिबोध विदितम मतम अमृत अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। और इसका अन्वय है प्रतिबोधि विदितम मतम ही अमृतत्वम विन्दते आत्मना वीर्यम विन्दते विद्या अमृतम विन्दते। और मैं इन तीनों को एक एक करके जो मेरी समझ है वो, और जो मैंने शंकर भाषी भी इसमें कुछ देखा था इंटरनेट पे और जो पूछते हैं उससे, इसका बेसिक प्रतिबोध का मतलब है बोध का बोध जो नित्य हमेशा हर अवस्था में हर लेवल पे रहे, एनलाइटनमेंट। ये बुद्ध से इसका धातु है, तो नोन एट ऑल लेवल्स ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, विदित और अविदित से ऊपर उठ के, जैसे शशि प्रभा मैम ने एक दिन क्लास ली थी बताया था बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन। और विदितम विद का विद से बना है जानना या ज्ञान, और ये वेद शब्द का भी धातु रूट वर्ड है। मतम इज इन थॉट बिलीव कंसीव्ड ही इंडीड, विदते विद से बना है which is to look at, perceives, knows, attains, and atmana by oneself, by self-knowledge. So one distinction which I saw was between self-knowledge and true knowledge, जो इसमें कहीं पे बताया जा रहा है, इस मंत्र में बताया जा रहा है। वीर्यम is strength, शक्ति। The typical meaning of वीर्यम is taken in a very limited sense, but पहली बार मुझे समझ में आया कि the word is, it comes from वीर, वीर का मतलब ही यही तो वेद में मतलब ही है। और विद्या भी विद से आए, और अमृतम इज मोर्टैलिटी। सो अगेन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, अमृत वाज फॉर मी समथिंग नेक्टर और इट वाज मोर ऑफ ए लिक्विड और सम फॉर्म, बट दिस इज रियली अबाउट इटर्नलनेस और इमोर्टल बीइंग इटर्नल। तो इसका जो अर्थ है, जो प्रत्येक बोध में प्रत्यागत्म रूप से जाना गया है, परम रूप से हर जो हर लेवल पे उस ब्रह्म की कॉन्शियसनेस में को जानते हैं, वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है। और जो हमें ट्रू, हमें जो सेल्फ नॉलेज से तो स्ट्रेंथ मिलती है, पर ट्रू नॉलेज से ही हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दैट्स द जो मेरे को, और प्रतिबोध विदितम यानी जो बोध बोध के प्रति विदित होता है, नोन इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसका जो अन्वय किया था, तो दूसरा जो है अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मज्ञान से अमृतत्व ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान विच इज अबाउट सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ नॉलेज से ही इटर्नलनेस मिलती है, वी बिकम इमॉर्टल और ब्रह्म का ज्ञान होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मना वीर्यम विन्दते, आत्मा अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल का सामर्थ्य प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त नहीं होता, पर सामर्थ्य वो प्रॉब्ली एक स्टेप है उस तरफ जाने के लिए। So the strength gained by knowledge of the Atman can be acquired by the Atman alone and not by any other means. So, जो हमारे अंदर की चेतना उसी से हम अनुभूति का मतलब ये है ना कि अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि जो मेरी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा,
अब ये तुरंत डर सताने लगे, इसका क्या होगा, ये कर इंडिविजुअलिटी को लूज करना ही तो बहुत ताकत चाहिए ना उसके लिए, बहुत पावर, दिमागी मजबूती चाहिए जिसको कहते हैं ना, इसलिए एक जगह ऋषि कहते हैं नाय महात्मा बलहीने न लगता, कमजोर व्यक्ति कैसे कर सकते, कमजोर छोटी सी चीज लूज करेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, हमारे जो सिंपल जो नौकरी करते हैं, नौकरी में हम किसी पोजीशन पे हों और हमारे रिलेटिव आ जाए और दूसरे एक बहुत मेरिटोरियस आदमी रहे तो हम उसी समय में हमारा हिलने लगता है सब कुछ, क्यों, क्योंकि हम उस इंडिविजुअलिटी को उधर से घर में धमकाते भी रहते हैं तो फिर किस लिए हम इधर करो या तो हमसे छोड़ो जीवन भर जो साथ में रहे हैं ऐसे थोड़े रहे, ये जो है इसको आप इसको टैकल कर लें और इसको आप ट्रांसेंड करते हुए उससे ऊपर उठ जाए और सब आपको एक जैसा लगे, ये कमजोर व्यक्ति पूरे कर सकते, कांप जाता है व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में, इसलिए वीर्यम, इसलिए ताकत चाहिए, मानसिक ताकत, आप उस परिस्थिति को पा, ये तो छोटी छोटी बात हुई, अभी का इंडिविजुअलिटी लूज करना ताकत चाहिए, अभी तो पूरी दुनिया में इंडिविजुअलिटी की ही बात चल रही है, असर्ट करना हमारा राइट, राइट में कहां ये बात आएगी ये लूज कर लो सारा, ये कहना चाहते ऋषि नहीं कहा है ना, जो बात जो विवेकानंद हमेशा कोट करते हैं ना कि तुरस्य धारा निशिता कठोपनिषद में, ऐसे तलवार की धार है जो नया नया तेज किया गया उस पे चलना वैसी मानसिक ताकत, इतना विल पावर जिसका हो तो वही तो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करेगा, ये बात तो एग्जैक्टली जो आपने बोला वही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे नकल मार के लिखी थी, दिस आत्मन कैन नॉट बी अटेन्ड बाय वन डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ, तो आत्मबल वीर्य शक्ति बहुत जरूरी है, विद्या अमृतम विंदते, जो ट्रू नॉलेज है उससे इटर्नलनेस की मिलती है, तो भगवद गीता के 3 श्लोक मैंने शंकराचार्य के भाष्य देखे थे जो IIT खड़गपुर का सुपर साइट गीता बना रखा है उसमें से निकालते हैं, तो एक तो 7वें चैप्टर में 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, बहुत जन्मों के अंतर में किसी एक विशेष जन्म में ज्ञान को प्राप्त होकर ही यह सब वासुदेव हैं, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, अभी जो डिस्कशन आप कर रहे थे वही कई जन्म और जैसे शंकराचार्य जी 8 साल की वासुदेव सर्वमिति सब में वही एक तत्व, सब महात्मा सुदुर्लभ, और 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, स्वयमेव आत्मनाम आत्मना आत्मनाम वैत्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, हे पुरुषोत्तम हे भूतवान कॉजिंग द वेलफेयर ऑफ लिविंग बीइंग्स, क्योंकि भूत वर्ड सुनते ही हमारा जो बचपन से भूत है वही दिमाग में आता है, एक्चुअली मैंने तो इट इज कॉजिंग द वेलफेयर ऑफ लिविंग बीइंग्स, हे भूतेश लॉर्ड ऑफ बीइंग्स, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, तो हमारे अंदर भी वही है तो वही इसको जान पाएगा, और भूत है तो बड़ा हमारे शरीर में आत्मा को छोड़कर सब भूत, भूत का मतलब जो क्रिएटेड रियलिटी भूत, और क्रिएटर इज भूतेश, इसीलिए जो कोई मर जाता है ना, मान लीजिए शरीर उसका चला गया, तब भी इसलिए हम भूत कहते हैं क्योंकि वो शरीर पास्ट हो चुका, चला गया
अब उसको लोग मैथोलॉजी में करके भूत भूत करके कि भूत प्रेत आ गया, ये वो पास्ट टेंस के उसमें होगा, पास्ट टेंस जा चुके, जो क्रिएटेड हो गया ना वो पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। तो इसमें शंकर भाष्य में ये दो सेंटेंस मैं पढ़ना चाहूंगा, परंतु आत्मा चैतन्य स्वरूप होने से स्वयं ज्ञान में है और ज्ञान को जानने के लिए ज्ञान है। अभी हम थ्रू माइंड वी एक्वायर नॉलेज, कॉन्शियसनेस इज नॉलेज इट। और परिभाषा में तो प्रत्यक्ष ही कहा गया, डायरेक्ट नॉलेज। और ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण ज्ञान की साधना की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं आप स्वयं अपने से आपको जानते हैं। तभी कहा ना कि सेल्फ बाय सेल्फ इट सेल्फ, बोध से बोध, नॉट बाय माइंड, नॉट बाय इंटेलेक्ट, नॉट बाय एनी सेंस। वैसे ये वाला ज्ञान हम वही बोल रहे हैं कि वही जो आप अभी पहले बात कर रहे हैं। और जो तीसरा श्लोक लिया है वो 18वें अध्याय का 50वां श्लोक है, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा ज्ञान की पराकिष्ठा को भी तुम मुझसे संक्षेप में जानो, ये कृष्ण जी बोलते हैं। उसके बाद काफी सारे श्लोक है जो मैंने नहीं उठाया, पर शंकर भाष्य ने कुछ एक दो सेंटेंस लिखे हैं इसके बारे में। ऐसी जो ब्रह्म ज्ञान की परमा विधि है उसको सुन, वह ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कैसी है जैसा कि आत्मज्ञान है, वह कैसा है जैसा आत्मा है, कैसा है जैसा भगवान ने बतलाया और जैसा उपनिषद वाक्यों द्वारा कहा गया है। और उसके बाद एक और दो और सेंटेंस है, आत्मा का अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है और बुद्धि को भी आत्मा के सदृश निर्मलत्व आदि सिद्ध है, इसलिए उसका आत्म चैतन्य के आकार से अभासित होना बन सकता है, आत्म चैतन्य के आकार से अभास हो सकता है। बुद्धि से अभासित मन, मन से अभासित इंद्रियां, तो बुद्धि से अभासित मन, मन से अभासित इंद्रियां और इंद्रियों से अभासित स्थूल शरीर है और फिजिकल बॉडी, इसलिए संसारिक मनुष्य देह मात्र में ही आत्मा दृष्टि करते हैं। तो थोड़ा यही मैंने पढ़ा है और थोड़ा बहुत निषद में ये नवे अध्याय में चार खंड है जो कि सामवेद के अलौकात दामवंश के अंतर्गत आता है। केन शब्द से ही केनोपनिषद बना हुआ है और नाम पड़ा है उसका। केन से मतलब है कि कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, जस्ट एन क्वेश्चन। हम जो अपने इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ कार्य करते हैं वो जैसे हम सोचते हैं कि शायद ये सारी चीज मौजूद है, हम करते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये स्वयं का शक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई स्रोत है, उसी का वर्णन है यहाँ पे, और वह ब्रह्म है। इसकी चर्चा केनोपनिषद में किया गया है, चार खंड में, नवे अध्याय में यह है, आठ अध्याय इसके पहले जो है अपने अंतकरण की शुद्धि और कर्म के लिए कहा गया है। इसमें गुरु और गुरु जो है शिष्य को संकेत द्वारा समझाते हैं कि एक्चुअली ये ब्रह्म है क्या, क्योंकि
अगर कोई जान भी गया ब्रह्म क्या है, उस स्टेज उस लेवल पे पहुंच गया, तो उसे जैसे सर ने भी कहा कि कोई वो कोई डिज़ायर्स नहीं होंगे उसके, कोई डिज़ायर्स नहीं होंगे, और उस स्टेज पे वो पहुंच गया, इस बात को वही समझ सकता है जो कि उस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसी प्रकार हमारे जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इसी प्रकार देवता भी जो है, देवताओं को भी इसी तरह से शक्ति प्राप्त हुआ है जिससे वो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम उपासना भी करते हैं देवता का, तो एक्चुअली उन्हें भी वही शक्ति मिली हुई है, ब्रह्म से ही मिला हुआ है। इसमें मैं बहुत ब्रीफ में ही बता रहा हूँ कि शिष्य ये कहता है कि गुरु से कि मैं जानता हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मतलब नहीं भी है और है भी है। तो एक्चुअली वो पूर्ण रूप से वहाँ नहीं पहुँचा होता है, क्योंकि उसको उस स्टेज पे पहुँचने के लिए और भी कुछ करने होते हैं। इसी तरह से जो ये अभिमान करता है कि मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गया है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसने बोल कहा और जिसने डिस्कस भी कर लिया, तो एक्चुअली उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जस्ट लाइक एन एक अनुभूति जैसा है। उस अनुभूति से जो है उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको समझ सकता है। और दिस फैक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाई द अनदर हु हैज अचीव द थिंग। जैसे इस पर एक तीसरे और चौथे खंड में है कि देवताओं ने जो है असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, और वो समझने लगे कि ये हम महाबली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो लेकिन उसके पीछे भी वही था, ब्रह्म था, परमेश्वर थे, जिनकी शक्ति से वो असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए। तो इस उनका अहंकार और इस दर्द को देख करके ब्रह्म को ये हुआ कि अगर इस तरह ये मतलब तो उनको घमंड हो गया इस बात का कि हम ही ने सब कुछ किया है, तो ये तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब पतन हो जाएगा। इनको कुछ समझाना चाहिए कि एक्चुअली वो हैं क्या और कैसे उन्होंने क्या कर लिया, ये बात उनको समझ में आना चाहिए। वो यक्ष रूप में प्रकट हुए, जब यक्ष रूप में प्रकट हुए, विशाल यक्ष रूप में, तो वहाँ पर देवताओं ने देखा, उन्हें समझ में नहीं आया, वो बहुत चिंतित रहने लगे, और अपने देवताओं में उन्होंने अग्नि देवता को कहा कि भाई देखो जा कर के ये कौन है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। वो गए, वो जैसे जस्ट लाइक एन एक प्राउड होता है, सेल्फ प्राउड होता है, वो गए अपना मेरे पास बहुत शक्ति है, और अग्नि देवता गए, बोले कि उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं, बोले मैं अग्नि देवता हूँ, आप क्या करते हैं, तो बोले कि मैं तो पूरा जला सकता हूँ, पूरे संसार मेरे पास शक्ति है। तो बोले कि ठीक है, आप जैसा कर सकते हैं, तो एक उन्होंने सूखा तिनका रख दिया और उनके शक्ति को होल्ड कर लिया, अपने पास रोक लिया, बोला आप इसको जलाओ, नहीं जला पाए, सारी शक्ति लगा दी, कैसे होगा, उनके तो मेन जो सोर्सेज हैं वो तो उन्होंने रोक लिया। तो अल्टीमेटली वो लज्जित हुए और चले गए। इसी प्रकार वायु के साथ हुआ, उन्हें भी बहुत गर्व था। जब ये दोनों वापस चले आए, देवताओं से कहा कि हम तो नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए कि यक्ष कौन है, तो इंद्र चूंकि विद्वान भी थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम भी था, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, वो गए, तो जो ही गए वो
अंतर्धान हो गए यक्ष और वो वापस नहीं आए, जैसे वायु और अग्नि वापस आए वो वापस नहीं आए, वो देखना चाहते थे वहाँ पर वो डिजिट रहे। और इतने में वहाँ एक बहुत ही सुंदर और वो उमा देवी वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उनको जब उन्होंने क्वेश्चन किया ये क्या हो गया, कैसे अंतर्धान हो गए और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेन चीज़ जो है जिसके लिए ये बातें हुई, उन्होंने बता दिया कि आप ये समझते हो कि भाई हम ही सब कर रहे हैं, एक्चुअली आप नहीं कर रहे हो, इसके पीछे एक सोर्स है और जिस सोर्स का एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट, जो उस माइन्यूट पॉइंट से ही आपको मिला हुआ है, यानी कि बहुत कुछ मिल गया, एक माइन्यूट पॉइंट ही है और जिसके सहायता से आपने ये सब सारी चीज़ की। तो इस तरह से अगर उस ब्रह्म के संस्पर्श में आए तो वायु अग्नि और इंद्र आए, तो इंद्र ने ही एक्चुअली इस बात को पहले जाना। इस प्रकार ये कहना चाहिए कि अगर किसी को भी ये जिज्ञासा है वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचना चाहे तो उसको उस प्रकार के आचरण करने होंगे, जैसे इंद्रियों का दमन करना होगा, तप करना होगा, वैसे कर्म करना होगा और जो चीज़ वो चाहते हैं उस चीज़ को ऑलवेज उन्हें रियलाइज करना पड़ेगा, उसमें लगे रहना पड़ेगा, तब हो सकता है कि उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो। और जब प्राप्त होगा उसे तब वो हमेशा जो है वो, जब वो नहीं मिलेगा तो वो हमेशा उसके खोज में रहेगा कैसे दोबारा फिर मिल जाएगा। तो एक्चुअली यही है और ये तो बहुत विस्तार है। मंत्र बोलेंगे, कोई लिखा है मंत्र? मंत्र तो सर हम नहीं लिखे हैं, याद भी नहीं है कोई, प्राप्त नहीं है सर, देख के ही बोल, देख के ही बोल। मंत्र भी कुछ याद रहना चाहिए, कुछ अभ्यास। सर एक बात बताओ, जैसे कोई बंदा कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, वैसे होता तो नहीं जो कहेगा उसे, तो होता तो है नहीं। और कोई जैसे आपने कहा कि जिसको जिज्ञासा भी हो गई कि भाई मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि मेरे को आता नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इनमें से कौन सा ऊंचा है? जिज्ञासा वाला ऊंचा है, जिज्ञासा वाला ऊंचा है बिल्कुल। जिज्ञासा होने का मतलब भी है आपकी जिज्ञासा हुई और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर, नहीं कहाँ बढ़ती है सर, हम कैसे जान सकते हैं? क्लैरिटी अराइजेस आउट ऑफ कंफ्यूजन, आपका बहुत सारी चीजें ठीक होने लगेगी और अंदर से प्रसन्नता। अभी क्या है ना कि कितनी भी चीजें हो ना खिन्नता रहती है, वहाँ उसमें क्या है ना कि बिना किसी चीज के प्रसन्नता, तो ये उसका पहला इंडिकेशन आनंद क्या चीज़? ये सर प्रथम खंड का पहला श्लोक है, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम रहति युक्तः, केने शीतम वाच मीमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कवु देवो क्यों न। ठीक, तो सर एक अभी डिस्कशन जो आधे पौने घंटे से चल रही, एक मेरे वो थॉट आई है, जैसे अगर अंदर की जो आत्म चेतना है उसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है तो उस वक्त चेतना के अधीनस्थ जो है वो मन और पांच इंद्रियां वो इरेलीवेंट हो जाएंगी एक तरीके से। इरेलीवेंट नहीं हो जाएंगे, उसका जो रिडक्शनिज्म है ना वो होलिस्टिक में कन्वर्ट। अभी जो वो सीमित देखता है ना उसके देखने का दायरा बड़ा। हम अभी क्या है जैसे कमरे, कमरे का स्पेस यदि हमने इसको फाइनल मान लिया तो उसी में रह रहे, और जब हमें लग गया कि जो बाहर का स्पेस भी कमरे का स्पेस है तो हमारा क्या हो गया, वाइडर हो गया, विस्तार होता। तो रिडक्शनिज्म क्या करता है, कटिंग इनटू पीसेस,
कन्फाइन एवरीथिंग, कन्फाइनमेंट से बाहर निकाल, तभी तो इंडिविजुअलिटी लूज करने का क्या मतलब है कि आप कन्फाइंड है शरीर इंद्रिय मन में, इतना ही मैं हूँ। वो कह रहे हैं कि सब आप हैं, तो ये जैसे ही उस, अब वो कैसे होगा, तो इंद्रिय से तो होगा नहीं, वो उस चेतना के स्तर पे जाना पड़ेगा जो चेतना एक सर्वव्यापक है। तो कहते हैं आपका विस्तार जो असली रूप है वो धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ था। तब तक मानते हैं जब तक हम अपने को इंडिविजुअल मानते, जब तक कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है ना तब तक वो मरेगा, फिर आएगा, फिर मरेगा, क्योंकि वो कन्फाइंड है। जिस दिन कोई ज्ञानी हो जाता है ना फिर वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ हो जाता है, वो कहीं जाता नहीं, वो वहीं रहता। महावतार बाबा जी, उनके लहरी महाशय जी थे, महावतार बाबा जी जैसे, मतलब वो तो हैं ही अभी जैसा। हाँ बोलते हैं कि वो अभी भी देखे गए हैं, और वो अब वो बोलते हैं कि उन्होंने योग के द्वारा अपनी सकल बॉडी को इतना पावरफुल बना देते हैं, मतलब ऐसे, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा ऐसे कि मतलब अगर हम योग जैसे इस जीवन में अगर हम योग करें और अच्छे से प्रॉपरली, मतलब जैसे जैसे उसके स्टेप्स बताए गए वो सब करें, और कुछ कुछ साधनाएं भी हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपने जो हमारा सूक्ष्म शरीर है हम उसको शक्ति प्रदान करते हैं, और वो क्या होता है मरने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो फिजिकल बॉडी में भी आ सकते हैं वापस से और वैसे भी रह सकते हैं। वही तो अभी चर्चा कर सकते हैं ना कि जब आप आत्मा को जानते हैं तो आत्मा इस बॉडी का क्रिएटर, तो आप बॉडी को कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब रियलाइज हो सकते हैं, रियलाइज। लेकिन वो है ना कि जैसे बाबा जी के बारे में, तो उनको अभी यहाँ रहने की जरूरत है, वो बॉडी को क्रिएट करके रखते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। और जिसको बॉडी की जरूरत है किसी दूसरे पृथ्वी ग्रह होगा जहाँ पे लोगों को जरूरत होगी, तो वो इस बॉडी को छोड़ देगा, उस पृथ्वी पे जाके बॉडी क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे है ना कि बाबा जी के बारे में, जैसे बाबा जी की अभी उनको जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उनसे वो इंडिकेशन है कि आप यहाँ रहिए, जरूरत है, तो वो योग का मेथड उनको पता है, वो उससे क्या करते हैं बॉडी को रिफ्रेश करते हैं। अब जिस दिन उनको इंडिकेशन मिलेगा कि आपका आप नहीं रहना है, तो बॉडी छोड़ देंगे। जैसे वो लारी महाशय जी को मैसेज भिजवाए ना, अब आज का दिन, अब इतने दिन के बाद आपको छोड़ देना है बॉडी, इसका मतलब योर ड्यूटी इज ओवर। पर सर एक चीज और मैंने पढ़ा है कि योग तक आप एक सीमित तक सीमा तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद जो परमेश्वर परम तत्व की अगर बात करें तो डिस्क्रिपेंसी है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद ब्रह्म ही होगा, ये आकाश जो है वो आकाश हो जाएगा, ये डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं। जब एक बूंद जल है वो समुद्र में गया तो समुद्र वही डिस्क्रिप्शन। पूजा आदि का कॉल आया था ये बताने के लिए कि वो अभी कॉलेज से निकल रही है, तो अब मत आए, अब बोलिएगा कि वैसे ही मार नहीं। फिर से एक बार, मेरा संस्कृत नहीं है, और ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र का छोटा सा समरी है। तो अत्र हम ईशावास्य वास्यमिति उपनिषदः प्रथम मंत्रस्य स्वबुद्धेः अनुसारेण सारांश रूपेण सारं भवतां समक्षे प्रस्तौमि। मंत्रमस्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता माँ गृदः कस्यस्वित धनम। तो ये मंत्र था, तत्र वेदांते पंच प्रकाराणि वाक्यानि सन्ति, उत्पत्ति वाक्यम, स्थिति वाक्यम, लय वाक्यम, प्रवेश वाक्यम, नियमन वाक्यम च। तो वेदांत में फाइव काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर, बताते हैं कि रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द क्रिएशन। तो कुछ वाक्य उत्पत्ति वाक्य होते हैं, दे टेल अबाउट क्रिएशन, एंड स्थिति वाक्यम दे टेल अबाउट सस्टेनेंस, एंड लय वाक्यम दे विल टेल अबाउट
डिसोल्यूशन। और जो पहला मंत्र है ये, इसमें प्रवेश और नियमन वाक्य हमें देखने को मिलता है। तो अस्मिन् मंत्रे प्रवेश वाक्यम नियमन वाक्यम च अस्ति, अस्मिन् मंत्रे ईशा इति पदम तु कृतियांतम अस्ति, अर्थात ईश्वरेण एव अस्य जगतः नियंत्रणम ईशानम च भवति। तो प्रवेश वाक्य का अर्थ है कि जब गॉड ने या ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो वो उसे अलग नहीं रह गया, ही इंटर्ड इनटू दैट इज अनुस्यू। तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट व्हिच इज दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बट इज ट्रांसेंडेंट। तो ऐसा हम भी सोच सकते हैं कि हमारे धर्म में भी है ऐसा कॉन्सेप्शन, बट उपनिषद में ऐसा नहीं है। सो गॉड इज नॉट ट्रांसेंडेंट, लेकिन गॉड इज इमानेंट इन द यूनिवर्स। तो ये पहली लाइन का थोड़ा सा अर्थ है, क्योंकि ईशा शब्द है ये तृतीय अंतम है, तो इस कंट्रोलर, इसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। मतलब इसमें दोनों के लिए गॉड इज ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज इमानेंट। तो वेस्टर्न है कि सिर्फ ट्रांसेंडेंट, वेस्टर्न जो है ना वो केवल ट्रांसेंडेंट मानता है क्योंकि वो क्रिएशन से बाहर है। ऐसे बताया कि वो इमानेंट नहीं, वो क्रिएशन के अंदर नहीं। हमारे यहाँ ऋग्वेद में ही कह दिया कि पादोश विश्व भूतान, एक पाद में क्रिएशन है जहाँ वो बैठा हो, और त्रिपाद श्याम ऋतम, तीन पाद जो है ओम का एक्चुअली सिंबल है, वो बताता ही है। देखिए ओम जो है ना, ये जो अपने यहाँ जो एक एक तो ओम बोलते हैं वो है, एक ओम सिंबल, सिंबल का देखिए ये जो तीन है ना, ये तीन जो है ये दिव्य है, और एक जो घुमा के जो अंदर ऐसे है ना, इसमें क्रिएशन है। तीन दिव्य है, जैसे तीन आगे की लकीर है ना, वो है नहीं ना यहाँ पे, वो ऐसे समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये तीन ऐसे आप लिखते हैं ना, एक दो तीन है ना, ये तीन पाद जो है वो दिव्य है, और एक में गोल नीचे करते हैं ना, वो क्रिएशन है, और ये बीच में जो लिंक है ये शक्ति है जो क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करता है। इसलिए ऋग्वेद में कहते पादोश विश्वा भूतानी, एक पाद में क्रिएशन, और तीन पाद जो है दिव्यम दिव्य है, उसमें कोई क्रिएशन है, प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या हुआ ना, ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज इमानेंट। वो जब केवल इमानेंट कह देंगे ना तो क्या हो जाएगा, जितना क्रिएशन है उतने नहीं है, वो नहीं बोथ। वेस्ट से हमारा डिफरेंस ये है कि वो कहते क्रिएशन में वो नहीं है, क्रिएशन से बाहर का ऐसा है, जैसे घड़ी और घड़ी बनाने वाला, तो घड़ी तो रहेगी पर घड़ी बनाने वाला मर भी सकता है, घड़ी में घड़ी बनाने वाला नहीं रहेगा। मारा है कि नहीं, घड़ी यदि बना तो घड़ी में बैठा हुआ, इसलिए घड़ी का जो असली मैटर है ना, मटेरियल है, वो वही है। ये वेस्ट में फिर नीचे को कहना पड़ा गॉड इज डेड, इसी एनालॉजी वो करना ही वैसे। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कंट्रोलर भी है और नियंत्रक भी है, तो किंतु अस्य अयम अर्थ नास्ति यत ईश्वर जगत भिन्न अवस्था, ये अर्थ नहीं है इसका, किंतु तो अभिन्नमेव अस्ति यतो हि मंत्रस्य द्वितीयं पद वास्यम इति अस्ति, वास्य पदस्य अर्थम अस्ति यत स्वनिर्मित जगति ईश्वरस्य आच्छादनं प्रवेशं च भवति। तो अपने जो ईश्वर ने बनाया उसमें इमानेंट हो, उसी के अंदर वो सृष्टि। द्वितीयस्य पादस्य अर्थम अस्ति यत् वर्तमान समय यत् अस्माभिः सस्टेनेबल डेवलपमेंट इति विषयं श्रूयते तत् अस्माकं ऋषिभिः बहु वर्ष पूर्व में प्रतिपादितम्। तो सेकेंड पाद में बताया गया है जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना ही यूज करें या ओवर यूज ना करें, तो उसकी बात इसमें कही गई उपनिषद के ऋषि ने इस बात के बारे में कहा। तो द्वितीय पादस्य अर्थ अस्ति यत् उपभोगं तु त्याग पूर्वकम् एव कर्तव्यम्। तो उपभोग करना है लेकिन त्याग पूर्वक करना है, और इसमें कह रहा है कि जो त्याग पूर्वक करता है उपभोग वही असली उपभोग करता है,
क्योंकि उसका डेवलपमेंट सस्टेनेबल है। इसका क्या मतलब है त्याग पूर्वक रिक्वायरमेंट नहीं, पर अगर रिक्वायरमेंट बढ़ा ली तो तब भी मैं रिक्वायरमेंट बेस कर रहा हूँ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए सस्टेन करने के सस्टेन नहीं नेक्स्ट जनरेशन के लिए सस्टेन नहीं किसी प्रकार की चीज का पानी हो गया नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो उचित है उतना यूज करते हैं ना तो वो चीज भी कंटिन्यू कर सकते आपकी बॉडी भी कंटिन्यू करे मतलब कोई भी चीज यदि आप बहुत नियम पूर्वक यदि उसका पालन करते कोई भी चीज तो उसकी कंटिन्यूटी भी ज्यादा है वर्ल्डली जो स्टेट है उसमें तो इसलिए दूसरा क्या है कि जो रिक्वायर्ड एज पर रिक्वायरमेंट नॉट एज पर ग्रीड तो वही आयुर्वेद में जो अपने दिनचर्या रात्रिचर्या सब कुछ जुड़ा हुआ लाइफ का हर एक एस्पेक्ट इससे जुड़ा उनका क्या है कि चूंकि क्रिएशन में गॉड है नहीं तो गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर ह्यूमन अगर गॉड है नहीं सो देयरफॉर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर नेचर को कॉन्क्वेस्ट करते हैं नेचर है ही नहीं नेचर के कण कण में गॉड बैठा हुआ है किसको कॉन्क्वेस्ट करेंगे आप So, there's a new economic model जो अभी emerge हो रहा है पिछले एक डेढ़ साल से वो वर्ड में expression दिमाग में नहीं आ रही है अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी डिस्कस हुआ है बेसिकली डिफरेंट लेवल्स पे आप रिप्लेनिश करते जाइए और मिनिमाइज करते जाइए ये वेस्टर्न थॉट में भी आया है तो पिछले कुछ हफ्तों में ये मॉडल के ऊपर दो तीन आर्टिकल्स आए मोदी जी ने भी कहा था ना अबाउट साइक्लिक अमेरिका सब बर्बाद करके अब कह रहा है कि इंडिया जो है वो कंज्यूम ना करेगा कंज्यूम ना करेगा सर आसक्ति रहे तो त्याग पूर्वक ये सेम है नहीं आसक्ति रहेगी ना तो आसक्ति दो चीज है आसक्ति नहीं रहे तो सबसे अच्छा और यदि रहे तो भी यदि कंट्रोल्ड है तो भी सस्टेनेबल अति नहीं होनी चाहिए आसक्ति मतलब अटैचमेंट कि मेरा हो जाए आपको लगे कि एक कार में जो मिल जाए तो आसक्ति कार मिले तो कार में कोई जैसे एक जगह मैंने देखा कि एक बड़ा बढ़िया सोफा बनवाया और सोफा बनवाया तो उनके अपने ही बच्चे जब सोफा पे खेलने लगा तो उसको चार थप्पड़ मारा तो उसको बोला कि जो क्यों मार रहे हो तो बोला सोफा खराब कर रहे तो क्या ये आसक्ति आप जिसके लिए सोफा बना रहे हो उसी को बैठने दो सोफा में मन बैठा हो घर में कई बार आप देखते हैं कि घर में जो कोई चीज आती है ना वो आप चुपके से रख लें घर के आदमी को यूज नहीं करने देंगे ये शर्ट स्पेशल ओकेजन के लिए है इसमें जो वर्ड आता है वृद्धा ये उसी चीज को दर्शाता है लालच हो गया लोभ हो गया overuse हो गया misuse हो गया so it covers all those concepts तो उपभोगम तु त्याग पूर्वकमेव कर्तव्यम एवं सर्वमपि ईश्वर निर्मितम अतः कस्यापि जनस्य यद् धनं सामग्रीं च अस्ति तस्य गृधः अर्थात लोभः नैव कर्तव्यः हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना उसके साथ मैटर भी है ना लेकिन ये इसमें मैटर नहीं इसमें केवल कॉन्शियसनेस के साथ मैटर अच्छा वो ये बताओ कि डेट आया नहीं हम है उसमें भी ब्रह्म है बुक ले गए सर बुक सब ले गए उठा ये तो नहीं वो तो हम हमने चेंज करवाया था ना तो हमने कहा चलो दे हाँ जी बोलो आप बोल दो आपका तो ठीक ही होगा पीएचडी की हुई है तो क्या तो ठीक ही होगा तीन उपनिषद का इसमें सार रूप में है सारा और मुख्य रूप से जो उपाख्यान इसमें आया है यक्ष उपाख्यान उसके विषय में ही ना बताया गया तो कहानी तो इसकी हम लोग जान ही रहे हैं ये सामवेद का उपनिषद है एक दो मंत्र सुना दो और उसकी व्याख्या सबसे पहले तो जो शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरु से
पहला जिसका प्रश्न है, जिससे ये पूरा उपनिषद प्रारंभ हो रहा है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रं क उद्देवो युनः। यहाँ पर चार प्रकार के प्रश्न, चार प्रश्न किए गए हैं। यह है मन किसके द्वारा विषय में जा रहा है, यह प्राण सबसे पहले किसके द्वारा संचालित हो रहा है, और ये वाणी किसके द्वारा बोली जा रही है, और ये चक्षु और श्रोत्र किसके द्वारा अपने अपने विषयों में नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके इसका समाधान देते हुए, जिज्ञासा को समझाते हुए गुरु ने कहा है कि श्रोत्र का वह श्रोत्र है, प्राण का वह प्राण है, चक्षु का वह चक्षु है। इसको ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है, यद वाचा अन अभ्युदितम येन वाग अभ्युदते यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति यद श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम यद प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। क्या है ब्रह्म, उसको उन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि वाणी जिसके द्वारा प्रकट नहीं होती है, बल्कि जिसके द्वारा जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता बल्कि जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है वह ब्रह्म है, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार से इसने वाणी मन चक्षु श्रोत्र प्राण के माध्यम से समझाया है। फिर जब गुरु ने शिष्य को समझा दिया तो गुरु के समझाने के बाद शिष्य ये अभिमान ना करे कि मैंने इसे समझ लिया, इसको वो स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, यदि मन्य से सुवेदेति दप्रमेवापि नूनं तुम वेत ब्रह्मणो रूपम, यदि तुम मान रहे हो कि तुमने इसे भली भांति जान लिया है, इसका मतलब निश्चय ही तुमने उसका थोड़ा सा ही रूप जाना है। फिर ब्रह्म को जिसने वास्तव में जान लिया है उसके स्वरूप को बताते हुए ऋषि ने कहा है, यस्यामतं तस्यामतं मतं यस्य न वेद सह अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानतां। अर्थात जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका उसने उसे जान लिया है, जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है उसने उसे नहीं जाना, जानने वालों के लिए यह अविज्ञात है और ना जानने वालों के लिए यह विज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता है। ये बात अब इसकी विधि बताइए कि उसको जानने की विधि क्या है, तो प्रतिबोध विधि के माध्यम से इसे जाना जा सकता है। और ऋषि ने कहा है कि यदि आपको ये जन्म मिला है तो उसका सदुपयोग करें, यदि इस जन्म में आपने उसे नहीं जाना तो आपका आपके जीवन का महान ये क्षति हो। इसके लिए कह रहे हैं इह चेत अवेदीदत् सत्यमस्ति ना चेत इह अवेदीन महति विनष्टि। इस प्रकार कहने के बाद ब्रह्म विषय उपदेश जो इन्होंने पहले दिया है उसको ही यक्ष उपाख्यान के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि उपाख्यान हम जान गए हैं कि देवताओं की विजय हुई असुरों पर, देवता उस पर अहंकार करने लगे कि ये हमने ही किया है। उसके बाद ब्रह्म ने उसमें से अपनी शक्ति खींच ली देवताओं में से और उनसे अलग खड़ा हो गया। अलग खड़े होने के बाद देवता लोग उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि वह अपमान से युक्त थे, तो उन्होंने एक एक करके पहले अग्नि को भेजा और अग्नि इसमें असमर्थ होकर और अपना अभिव्यक्त तो हो गया है ना। ये पूरी कहानी है, इस कहानी के बीच में देखिए देवता का एक अर्थ देव का इंद्री इंद्री हाँ जी, तो दो देवता के दो तीन अर्थ, एक देव दानात जो दान देता है और दूसरा द्योतनाथ जो प्रकाशित करता है। हमारे जितनी इंद्रियां है ना वो विषय को प्रकाशित, आंख है तो दिखाई देता, तो आंख भी देवता है, देवता इसलिए। अब आंख को यदि अभिमान हो जाए कि देखने का काम मैं कर रहा हूँ, हमारे अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कहेगा कि सारा डाइजेशन तो नहीं कर रहा, तो वही वहाँ एक सिंबॉलिक रूप में। अब ये यदि मन में आया इसका मतलब आपका ईगो बढ़ा, तो वो इसलिए कहते कि नहीं, ये सबके पीछे कॉन्शियसनेस है जो सबको एनर्जी दे रहा, आपका कोई रोल नहीं, वो हट जाए तो सब खत्म। ये कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यक्ष, किसी की प्रतीकात्मकता थोड़ी सी, ये रूपक है, ये रूपक जो उपाख्यान हमने सुना उसी में से हम ये समझेंगे कि इस कथानक में जो अग्नि और वायु है वो भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि तत्व है। अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व है, वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व है, परंतु दोनों अचेतन है।
और जड़ भी हैं। देखिए ना, अग्नि का जो है अपने यहाँ हमारे यहाँ इंद्रिय वो है चक्षु, चक्षु जो है ना वो तेज का रूप है ना, वो चक्षु उसको देता है रूप, और जो वायु है उसका स्पर्श होता है इंद्रिय, बाकी इंद्रियां हर एक भूत का। पर जो हम प्राण लेने के लिए जो वायु करते हैं वो भी उसमें इंक्लूड, इसमें जैसे रेस्पिरेशन में जो वायु। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो उनको वो भी तो देवता है ना, हनुमान जी क्या है, हनुमान जी के जो पांच मुंह हैं वो तो पांच प्राण अपान व्यान उदान समान ही है ना, हनुमान जी वायु देवता है ना, वायु रूप ही माने जाते हैं। हनुमान जी के पांच मुंह क्यों है, न चार है न छह है, क्यों, क्योंकि पांच प्रकार के प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान और समान, इसीलिए हनुमान जी के पांच मुंह जो हैं उसका भी वही स्वरूप है। एक उनका मुंह है जो बंदर वाला है, वो रिप्रेजेंट करता है व्यान का, ये प्राण का जो प्राण आता जाता है, ठीक है ना, वो इसलिए कहते हैं बंदर इसलिए ले क्योंकि चंचलता रहती है वायु, ठीक है। दूसरा है अपान, एक है उनका मुंह सुअर का बड़ा है, तो अपान जो है ना वो जिसमें मल मूत्र जिसके द्वारा निकलता है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है वो बड़ा, ठीक है। तीसरा जो है उनका मुंह है एक पक्षी का, पक्षी जो है वो समान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पक्षी का जो डाइजेशन होता है ना वो चबाता नहीं है, वो निगलता है और विद इन मिनट्स वो डाइजेस्ट होता है, इसलिए जो डाइजेशन सिस्टम को जो समान वायु रिप्रेजेंट करता है वो उसको बताता है। और उसके बाद एक है सिंह का, ठीक है ना, तो सिंह जो है वो है व्यान का, व्यान जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट करता है, तो उसको जोड़ा हुआ है वहाँ। तो एक है अश्व घोड़े का, तो घोड़ा जो है वो है उदान जिससे प्राण निकलता है, तो अश्व जो है वो गति का सूचक है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो इसीलिए हनुमान जी के ये पांच मुंह जो है ये पांच हमारे अंदर के जो एयर है जो काम करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हनुमान जी की जब हम इन पांच चीज की पूजा करते हैं तो अपने अंदर पांच प्रकार के जो प्राण का जो स्वरूप है उसकी पूजा। हाँ हाँ, मैंने देखे है पंचमुखी हनुमान सी हनुमान, अब जहाँ देखेंगे वो आपको मेटल में भी मिलेगा और वह कैलेंडर। मुझे वो ये उसका इंटरप्रिटेशन या जो वो नहीं पता था, और फिर ये, ये पता चल गया ना, अब आप इस रूप में देखिए। और फिर ये बोलते कि हमारे देश में ऐसा नहीं होते फुलेश्वरी, दोनों हमारे यहाँ तो वही जो आपने कहा यद पिंड तथा जो हमारे अंदर है वही प्रकृति, ग्राफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है उनकी, आप या तो प्रकृति में ढूंढ रहे या अपने में ढूंढ रहे, अपने में ढूंढना सबसे आसान है क्योंकि पांच एयर काम कर रहा है ये तो हम कॉन्सेंट्रेट कर ही सकते हैं तुरंत, बस तो वही हनुमान जी है। गणेश जी क्या है, वो अहंकार जो हम कहते हैं ईगो, जो ईगो है हमारा अहम है ना मैं हूँ, तो कॉस्मिक जो ईगो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गणेश, पूजा करते हैं क्योंकि वो पूरे सृष्टि के मैं जो है वो तो पावरफुल है ना, आप भी वही हो जाएंगे अपने को हटाने का क्या मतलब है, गणेश जी है वो पूरे कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अभी केवल इस शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा मैं छोटा उनका मैं पूरा कॉस्मिक मैं, तो अपने को हटाने का मतलब गणेश जी के उस परवेसिव ने इसको पकड़ लिया आप मैडम वहीं से बोल दीजिए। सर मैं ऐसी बिना ज्ञान के कोई चेष्टा नहीं करूंगी, बस मैंने सीखना ही एक पर्पस था। कुछ बोल देना, आपका भी तो ग्रेडिंग कर देंगे ना, अभी ऐसा कुछ भी हमारी समराइजेशन कर दी थी अंदर मार्क्स के अंदर तो कहा सर आपकी क्या पूरी अभी तक क्लास में आने से अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, बस इतना पिछली क्लास की तरह मुझे पूरी समय यहाँ पे कबीर याद आते रहे,
अभी कुछ कुछ जो आपने बातें कही थी कि समर्पण की, सबसे बड़ी बात थी कि जितना चाहिए किसी और का हक, तो पंजाब पृष्ठभूमि है तो नाना जी दिमाग में घूम रहे थे कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। बहुत आसान तरीके से नानक जी कहते हैं किसी और का हक खाना हिंदू के लिए गाय खाने के बराबर है और मुस्लिम के लिए सुअर खाने के बराबर है। तो मुझे लगता है उपनिषदों को इन लोगों ने इतने सहज तरीके से आत्मसात करके व्यक्त कर दिया, चाहे वो नानक हो चाहे रहीम हो, ज्ञान सब में है, अपनी अपनी भाषा में व्यक्त। आप प्रेम की बात कर रहे थे कि अहम छोड़ना है, तो कबीर तो सरेआम कहते हैं कि प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये, जब तू था तब हम नहीं, अब हम है वही तो कह रहे ना, जब तू तो मैं नहीं हम नहीं, जब हम तो तू नहीं, मतलब हम सब है। इंडिविजुअलिटी जब तक रहेगी अहम तब तक कॉस्मिक नहीं होगा, अटैचमेंट जब मैं हूँ तो तुम नहीं, अपना वो फिर वो खाली तलवार की बिल्कुल इंडिविजुअली लूज करने से ही वो हो सकता है, या तो मैं या तुम मतलब गॉड ईश्वर। वो कह रहे थे कि तलवार नंगी ताल और बिल्कुल तेज हर की तलवार निकाल कर है, तो कबीर कहते हैं प्रेम का मार्ग सूदो नहीं है, तो खड़ तलवार की धार है इस पार से। तो जब आपने कहा कि समाप्ति हुई एक ही है, कि जल में कुंभ है कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व तो कहो ज्ञान में। वो कहते हैं उपनिषदों में कबीर कहते हैं आत्मा परमात्मा नो डुअलिटी नो द्वैत, साखी में लिखे जो उपनिषद में गाया गया मैं वही बोल रहा। और वो तो कहते कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी, और वो ब्रह्मानंद की बात है जो वो आंखन की देखी, मतलब डायरेक्ट रियलाइजेशन। कबीर को इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया क्योंकि वो उसे कहा कि तू बता, जैसे वो कहते है कि बता ही नहीं सकती वाणी, वो क्या कहते है कि गूंगे गुड़ जैसा है, जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाकर कहा जाए कि बता इसका टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट नहीं बता सकती, जिह्वा है लेकिन जिह्वा बता नहीं सकती, सारी इंद्रियां हैं। तो सूरदास की भी वही बात है, तुम भी गुड़ खा लो, तुम भी गुड़ खा लो, एक ही सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है कि तुम खाओ और फिर बताओ जो खाएगा वो क्या टेस्ट है, वो दूसरा जो खाया दोनों को दोनों समझ। अभी आपने कहा ना कि दो ही वही बता सकता है जिसने ब्रह्म को ज्ञान लिया, जिसने कर लिया इन्होंने यही कहा, तो वो है अनहद है। वो बहुत वो अपनी एड़ा पिंगला की बात हो, ताना वाना, अनहद का भी मतलब क्या है, अनहद का मतलब है जिसका कोई हद ना हो, जिसका कोई हद ना हो, ध्वनि भी ना हो, हद का मतलब कंटेनमेंट, वो तो एक कुछ कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन मैं अब टर्म का मीनिंग बता रहा हूं, बिना हद के, बिना सीमा के, बाउंड्रीज के बिना, बिना बाउंड्री के, बिना कन्फाइनमेंट के, समझ गए ना। ईगो का मतलब कन्फाइनमेंट, लिमिटेड, और अनहद का मतलब असीमित, ऑल परवेसिव। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप वो ले आए जो योग की चीज है अनहद, ब्रह्मानंद है। आपका तो सबसे ज्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग था, मतलब हम तो ग्रेजुएट हो गए, आप जिज्ञासु हो, खराब मुझे पूछ रहे हो। तो आप कुछ लिख के इसको मैडम को दे दीजिए, अच्छे से लिख कर, इससे वो एक फॉर्मल हो जाएगा ना, सर्टिफिकेट मिलेगा आसानी से। तो सबसे बड़ी बात है हमारा जो मुख्य प्रयास था कि उपनिषद क्या कहना चाह रहे, और आप समझ लीजिए कि उपनिषद दुनिया की वो पहली बुक है जो कॉन्शियसनेस की स्टडी करता है, ठीक है ना। आज तक कॉन्शियसनेस की स्टडी कभी किसी ने नहीं किया, ये भारत की सुप्रीमेसी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो पूरी जो परंपरा है हमारी संतों की, उस उनका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहा कि दे हैव बीन डूइंग स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का लिमिटेड हो जाना बंधन है, कॉन्शियसनेस का अपने ओरिजिनल स्टेट में आना, या जो अनहद कहते हैं जो ऑल परवेसिवनेस, वो मोक्ष। तो कॉन्शियसनेस का जो स्टडी है वो इंडियन ट्रेडिशन का मेन पर्पस, इसीलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहते हैं। परम पुरुषार्थ का लोग समझते हैं कि ये काम धाम छोड़ के और ये मोक्ष मोक्ष करते रहते हैं, मोक्ष का मतलब है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस, ऑल परवेसिव कॉन्शियसनेस, बिकॉज this limited consciousness causes all types of problems, ultimate liberation। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब limited consciousness तो वही problem का तो कारण है,
उससे राग उससे द्वेष, उसको छोटा समझना उसको बड़ा समझना, ये सब मेरा हो जाए ये उसका हो जाए, यही तो सीमित जीव का तो लक्षण है। उससे बाहर हम नहीं आ पाते, नहीं आ पाते, जीवन का जीवन बिताते रहते हैं और लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरा वेस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है वो इसी कन्फाइंड कॉन्शियसनेस की स्टडी है, समझ गए ना, इसीलिए कभी बाहर ही नहीं आते। मैं आपको जो सर्कुलर इकोनॉमी, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है तो, और इसका बेसिक ये है कि मटेरियल्स को रीयूज कैसे करते जाए और वेस्टेज कम करें। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट रीसाइक्लिंग एंड रीसाइक्लिंग। आप एक लाइन में समझ लें कि साइक्लिक जो भी चीज है वो इंडियन कॉन्सेप्ट है, लीनियर जो भी है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। लीनियर, एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा। हमारे देश में हमेशा साइक्लिक बात, इसीलिए आप देखेंगे गांव में अभी भी लोग जो हैं, जैसे शर्ट आप पहनेंगे ना, जैसे शर्ट पुरानी होगी वो क्या करेंगे, तकिया का कवर बनाएंगे, तकिया कवर पुराना होगा उसको लगा देंगे कि पोछा में लगा देंगे। अब पोछा जब तक घिस घिस के ना समाप्त हो जाए तब तक उसका यूज करते रहेंगे और अंत में किसी और चीज में ले आएंगे। ये है उसका साइक्लिक यूज जो इंडियन माइंड है, इंडियन साइकी में ये बैठा। अब वेस्ट के लोग अब परेशान होकर कहते हैं कि नहीं नहीं इसका रीयूज होना चाहिए, इसका इस तरह से करो। तो ये साइक्लिक माइंड, इंडियन माइंड, वो टाइम हो, वो आपका जन्म मरण का चक्र हो, या आपका जो जो सामान्य का यूज हो, ये आप हम नहीं करते, हम तो दिल्ली में बैठे हैं ना, गांव के लोग में देखिए साइक्लिक ही साइक्लिक मिलेगा आपको, ये कहने का। आनंद महात्मा बुद्ध के पास आए कि मेरा योगा पुराना हो गया है तो मुझे नया दिलवाइए, तो दिलवा दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध के मन में प्रश्न आया कि ये कैसे पता किया जाए कि उसका पुराना हो गया। तो पूछा पुराना कहाँ है, तो पुराना को उसको मैंने एक चादर बना ली फाड़ के, तो चादर का तुम्हारी पुरानी चादर क्या गई, उसका मैंने पोछा बना लिया, उसका पुराना पोछे का क्या किया। मतलब बहुत लंबी बात है कि उसने, मतलब मैंने उसकी बातियां बना दी, एक एक धागा निकाल के जोड़ के बाती बना, तो फिर वो बातियों का क्या किया, कहते हैं जो सामने प्रकाश चल रहा है ये वही बाती, वही बात। और इसके ऊपर जोक बना देते हैं कि इंडियन सब तक टी शर्ट पहनते हैं जब तक उसमें छेद नहीं हो जाते हैं, तो उसका पोछा बना देते हैं, जो भी जब तक बनाते हैं नीचे नीला रंग नहीं आ जाता। इतने वहाँ के अज्ञानी लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं यही तो इंडिया से लेना है, संग्रह की प्रवृत्ति है ना, मेरे पर्स में हनुमान चालीसा से लेके इसका इतना डेवलप्ड माइंड होगा वो तो समझेगा ना इस बात को, संग्रह संबंध। बाकी तो 5 डे काम और क्रेडिट कार्ड का यूज करके वीकेंड और 2 दिन में कर्ज लेके फिर को ही करना, ये तो उनका लाइफ है। जो एक एलिवेटेड पर्सनैलिटी होता है वो इंडियन चीज को समझना शुरू करता है। यहाँ क्या है एक अच्छी बात कि घर घर में ये संस्कार के द्वारा ये बैठा हुआ है, उपनिषद पढ़े ना पढ़े उसको साइक्लिक प्रोसेस का पता है। दिस इज द सक्सेस ऑफ इंडियन फिलोसफी। आप इंडियन फिलोसफी का कोई टर्म नहीं है जो गांव का लोग यूज नहीं करते, राधर वो ज्यादा अप्लाई करता है। हम दिल्ली वाले चूंकि वेस्ट वाले हो गए तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो वेस्ट ओरिएंटेड, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इंडियन नॉलेज ओरिएंटेड। तो ये आप देखें और उसके स्टडी करें, पता चलेगा कि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। और अभी भी इसलिए भारतीय ज्ञान या संस्कृति को गांव के लोग बचा कर, बिल्कुल दक्षिण भारत खासतौर, दक्षिण भारत में तो घर घर में वो है, सुबह की रंगोली से लेकर तो सबको शुभकामना, योग है, योग करना नहीं पड़ता, हर एक जेस्चर में योग लाइफ स्टाइल में ही है। सबको शुभकामना और ये सब श्रवण जो है ना ये मनन चलना चाहिए। हाँ देखते हैं, अब वो तो होगा, अब मैं आऊंगा महीना में, तो सोच रहा हूँ एक क्लास सर, दो बार तो कम से कम आएंगे, उसको देख लेते हैं। तो लेकिन आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए और सर आप नहीं आएंगे तो वैसे वो बिना टीचर के कोई नहीं आएगा, ऐसे ही तो गुरु शिष्य के पास बैठ के पढ़ा रहेगा, मैं कैसे पढ़ लेंगे। ठीक है फिर, सबको नमस्कार और ऑल द बेस्ट। सर वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
ठीक है फिर मिलेंगे। नेक्स्ट